आइए आइए, आओ आओ बच्चों, पधारिए सब। चुपचाप सभी इधर खड़े रहो। इस हफ्ते के ये वीकली टेस्ट हुए, उसके रिजल्ट मेरे हाथ में है। क्या आप सब देखना चाहोगी? रिव दीजिए ना, देख के क्या करेंगे हम। हाँ, देखने की क्या जरूरत है, अच्छे होंगे। देखना वीकली रिपोर्ट में, मेरा बेटा है ही होशियार है ना। हाँ वो ना मॉम है। ठीक है मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद बता देती हूँ मार्क। पहला नंबर विकास का, उसको मिले 10 में से 3। दूसरा है अनुष्का का, 10 में से 4। और लास्ट है श्रेया, 10 में से 1। देखिए आपके बेटियों के बेटे के पराक्रम, कुछ स्टडी नहीं करते ये। कितनी बार मैंने आप तीनों को बताया है, इनके बारे में कितना कुछ बताया है। प्रिंसिपल के सामने बैठकर आप सबसे बात की है मैंने, पर फिर भी आपके बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इतना कैसे कोई 0 हो सकता है? माफ कीजिए निर्मला मैडम, पर टीचर होने के नाते आपको भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं हर बार हमारी बेटियों की गलती हो। एज अ क्लास टीचर आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनकी, कि वो कैसे स्टडी कर रहे हैं, उनमें क्यों नहीं सुधार हो रहा है। आप कुछ करती नहीं होगी इसलिए हमारी बेटियाँ सुधर नहीं रही है। मेरे भी दिल में यही बात है, पर मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बच्चों में गलती नहीं हो सकती, ताली दोनों हाथ से बजती है। नमस्कार अम्मा, आप सभी जानते हो हमारे चैनल पे सेव सॉइल मूवमेंट चल रहा है। ये मूवमेंट हम सब का है और हम सब को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हो। कैसे? इस दिए गए नंबर पे आपको बस एक मिस्ड कॉल देना है और आप भी बन जाओगे इस मूवमेंट का हिस्सा। सेव सॉइल मूवमेंट क्या है? सेव सॉइल मूवमेंट हमारी धरती को बचाने के लिए, हमारी मिट्टी को बचाने के लिए चली एक मूवमेंट है, और ये किसी एक की नहीं, हम सब की है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। माफ कीजिए निर्मला मैडम, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है हमारे बच्चों की क्लास टीचरी बदलनी चाहिए। यप्पी! हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ मेरी अनुष्का की क्लास टीचर बदल जाए। मुझे को भी कोई शौक नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स की क्लास टीचर बनी रहने का। इनकी वजह से मेरे क्लास का स्टैंडर्ड लो होता जा रहा है। आप कह रही हो ना कि इनमें सुधार क्यों नहीं हो रहा, मैं बताऊँ क्यों नहीं हो रहा सुधार? नहीं रहने दीजिए आप। हाँ मत बताइए आप। कर दीजिए बात को यही खत्म, मत बताइए कुछ। विकास की मम्मी, आपके बेटे को मस्ती के अलावा कुछ आता नहीं है। श्रेया और अनुष्का की मम्मी, आप दोनों की बेटियाँ आपकी तरह ही चुगलखोर है, कैसे सुधारना हो सकती है इनमें? प्रिंसिपल ने तो यहाँ तक कह दिया था पिछले साल कि इन तीनों को निकाल दो स्कूल से। नहीं नहीं माफ कीजिए, हमें एक गलती से हम कुछ ज्यादा ही भूल गए। सॉरी, कुछ ज्यादा ही गलती से मुंह से निकल गया, माफ कर दीजिए मुझे। पर मेरी अनुष्का को मत निकालिए। मेरे विकास को मत निकालिए, उसको 4 बार निकाल चुके हैं पहले भी। ए मम, कुछ भी क्या बता रही हो सबके सामने? चुप बैठ खदड़े, बता रहे क्या क्या किया है तूने। मुझे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए इनका। देखिए निर्मला मैडम, मैं आपको सब सच सच बता देती हूँ, ये सब श्रेया की दादी की वजह से होता है। हाँ वो ये सब किसकी जड़? श्रेया की दादी, उन्होंने सबके बच्चों को बिगाड़ दिया है। हाँ वो इनको काफी सिर पे चढ़ाती है, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। दादी, व्हाट्स हैपनिंग? आइए आइए श्रेया की दादी, अभी आपकी तारीफ हो रही थी बहुत। तारीफ तो क्या, मेरी हर जगह होती है, अब हुई मैं तारीफ करने जैसी। श्रेया की दादी, मैं आपकी पोती के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। बताइए बताइए, क्या पराक्रम किया है मेरी पोती ने? आपकी पोती को
10 में से 1 मार्क मिला है। कुछ स्टडी नहीं करती ये। स्कूल में ये और उसकी दोस्त अनुष्का लास्ट वाले बेंच पे बैठ के चुगलियां करते हैं। कितनी बार मैंने तुझको बोला है उस अनुष्का के साथ मत रहा कर, वो और उसकी माँ एकदम फालतू। देखिए इनका बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अब इनको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। निर्मला मैडम मुझे ऐसा लगता है ये बात श्रेया के दादाजी को बतानी चाहिए। नहीं उनको मत बताओ, तमाशा हो जाएगा। देखिए मैं इन सब की जिम्मेदारी लेती हूँ। ठीक है अभी आप बोल रही हो तो मैं एक और मौका देती हूँ, ये लास्ट वार्निंग है इन तीनों के लिए। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर इसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ तो मैं घर नहीं आऊंगी, सीधा स्कूल से निकाल दूंगी तीनों को। मैं चलती हूँ अबे, मेरे पास इतना फ्री का टाइम नहीं होता। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए, मैं देखती हूँ आप।